इस तारीख से पहले ऐसे करें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक, वरना आपको देना पड़ेगा 10,000 रुपये तक का जुर्माना। यह है पैन कार्ड का नया नियम। हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप और फेसबुक सभी जगह। और हमारे लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर जल्द दबाएं। करा ले पैन को आधार से लिंक, वरना देना पड़ सकता है 10,000 का जुर्माना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DK2 न्यूज में, नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंकिंग नहीं किया है तो यह खबर जरूर पढ़े। आप इस बात से बेखूबी अवगत होंगे कि आधार कार्ड एक बहुत जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट है, वहीं पैन कार्ड की भी काफी महत्ता है। बता दें कि सरकार के निर्देश के अनुसार पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। आपने अभी तक लिंकिंग नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले साल 2021 तक लिंकिंग जरूर करा ले। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है, लेकिन आप बता दे कि अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं किया गया तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजे, आप पर 10,000 रुपये तक का लग सकता है जुर्माना। टैक्स विभाग के मुताबिक अगर 31 मार्च 2021 तक कोई निष्क्रिय या कैंसिल पैन का इस्तेमाल करता पाया गया तो उस पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 272B के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। एक नोटिफिकेशन में टैक्स विभाग ने यह तक कहा है 31 मार्च तक टैक्स प्रियर्स अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते हैं तो उनका कार्ड या पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, पैन कार्ड होगा इनवैलिड। इस बात की भी जानकारी दी है कि पैन कार्ड को आपस में लिंक करवाना अनिवार्य है, ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा। पैन कार्ड रद्द होने पर कई तरह की दिक्कतें हो सकती है, मतलब पैन होते हुए भी आप वह काम नहीं कर पाएंगे जहां पैन की जरूरत होती है। CBDT ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था। ऑनलाइन ऐसे कर सकते हैं आधार से पैन कार्ड को लिंकिंग। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiafiling.government.in पर जाए। इसके होम पेज पर आपको लेफ्ट साइड में क्विक लिंक्स दिखेगा। इस लिंक के नीचे आपको दूसरे नंबर पर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा, फिर आपको सबसे ऊपर लाल रंग में क्लिक हियर मिलेगा। अगर आपने पहले ही अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक किया है तो इसका स्टेटस इस पर क्लिक करते हुए देख सकते हैं। अगर आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो क्लिक हियर के नीचे बॉक्स में पैन आधार अपना नाम फिर लिंक आधार पर क्लिक कर दे और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें, अब पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा। अगर कोई परेशानी आती है तो वहीं पता चल जाएगा। ये ध्यान रखें कि नाम वही लिखे जो आपके आधार कार्ड में लिखा है। अगर आधार में नाम या जन्म तिथि से संबंधित कोई परेशानी है तो आप UIDAI की वेबसाइट UIDAI.government.in पर जाकर सुधार करवा सकते हैं। ऑफलाइन ऐसे कर सकते हैं आधार से पैन कार्ड की लिंकिंग। पैन सर्विस प्रोवाइडर NSDL या UTI ITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी आप पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म UN-1 भरना होगा, कुछ सहायक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जानी होगी। जानकारी दे कि यह प्रक्रिया निःशुल्क नहीं है, आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा। यह शुल्क लिंकिंग के समय पैन या आधार डिटेल में सुधार किया गया या नहीं किया गया इस पर निर्भर करेगा। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो में हम ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाते रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।